दोस्तों आज मेरे पास एक हॉनर कंपनी का हॉनर 10 लाइट मोबाइल रिपेयर के लिए आया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पीछे बैक साइड पैनल में लिख दिया हूँ इसका प्रॉब्लम, जो कि नेटवर्क इशू इसमें आया है, नेटवर्क प्रॉब्लम आया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक सिम लगा के आपको प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम इसमें आया है। जैसे कि आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आया, ये मोबाइल पे नो सर्विस नो सिग्नल का प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे एक जियो सिम लगा के देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जल्दी से सिम लगा के मैं मोबाइल को थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ऑन होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आए और ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो पाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल पूरा चालू हो गया है और यहाँ पे जहाँ नेटवर्क का सिग्नल आना चाहिए वहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क का सिग्नल में वहाँ क्रॉस मार्क दिखा रहा है। इसका मतलब इसमें नो सर्विस का प्रॉब्लम आया है, नो नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है और सिम इसमें कोई भी डालेंगे तो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। और इसका मॉडल नंबर आपको मैं चेक करवाता हूँ, जैसे कि आपको मैं पहले बता दिया था इसका मॉडल नंबर, जैसे कि आपको स्क्रीन में आपके स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे हॉनर 10 लाइट लिखा है और इसका कोड है दोस्तों HRYAL00। जी हाँ दोस्तों, ये हॉनर का 10 लाइट मॉडल है और इसमें नो सर्विस नो नेटवर्क और नो सिग्नल का प्रॉब्लम आया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो में आज ठीक करेंगे हॉनर 10 लाइट का नो सर्विस नो नेटवर्क नो सिग्नल प्रॉब्लम को। उससे पहले दोस्तों इसका बेसबैंड चेक करवा देता हूं। देख सकते हैं यहां पे बेसबैंड स्टेटस भी ओके है और यहां पे नेटवर्क भी एक बार सर्च करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें नेटवर्क सर्च हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, यहां पे देख सकते हैं जैसे आपको मैं आपके स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क मोड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैनुअल सर्च में सर्च करना है। देखते हैं यहाँ पे सर्च करके कि इसमें कोई भी नेटवर्क का कोई भी सिग्नल पकड़ रहा है या फिर नहीं पकड़ रहा है, जो कि सेलुलर कंपनी का नाम लिखना चाहिए मैनुअल सर्च करने पे। यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है इसको देखना पड़ेगा। अगर आ रहा होगा तो इसमें और कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन हार्डवेयर में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअल सर्च में करता हूँ और मैनुअल सर्च करने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं नो नेटवर्क फाउंड लिख रहा है और यहाँ पे जितना बार भी मैं सर्च कर रहा हूँ इसमें यही पॉपअप निकल के सामने देखने के लिए मिल रहा है, नेटवर्क सर्च फेल्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या इसमें पॉपअप निकल के मैसेज आया है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार सर्च करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें नेटवर्क सर्च हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क सर्च फेल्ड फिर से लिखा आ गया और यहाँ पे ये हमको तो पता चल गया ये मोबाइल हार्डवेयर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्सरा चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक सीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाएं। दोस्तों आपको हेडिंग में बताया था हॉनर 10 लाइट में नो नेटवर्क नो सिग्नल नो सर्विस का प्रॉब्लम आए, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये वीडियो एंड तक देखते रहें। और मैंने कैसे ये मोबाइल को रिपेयर किया हूँ ये वीडियो में पूरा डिटेल बाय डिटेल सब दिखाने की कोशिश करूँगा और कैसे मैंने रिपेयर किया हूँ कैसे फाइंड आउट किया हूँ ये पूरा डिटेल में समझाने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल बाहर से देखने में बिल्कुल फ्रेश था, लेकिन आपको सील्ड भी दिखाया, मोबाइल कहीं पर खुला भी नहीं था और यहाँ खोलने के बाद पता चल रहा है कि इसमें वाटर डैमेज वाटर लॉक का प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोप के जरिए आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मदरबोर्ड के चारों साइड में पानी घुस के मॉइस्चर हो गया है और यहाँ पे कार्बन जैसा इसमें बन गया है। तो यहाँ पे हमको तो पता चल गया है कि ये वाटर डैमेज वाटर लॉक के कारण से ये नेटवर्क का इशू आया है और सेट कहीं पे भी गिरा नहीं है, जर्किंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें वाटर लॉक जरूर है। तो ये वीडियो में पूरा फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे इसको ठीक करना है। देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए आपको चारों साइड में बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हल्का हल्का यहाँ पे भी मॉइस्चर आ गया है।
तो इसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है और ये मोबाइल को रिपेयर करके आपको मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और मोबाइल की फ्रेम से बोर्ड को अलग कर देता हूँ और अच्छे से दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चारों साइड पानी गिर के मॉइस्चर हो गया है और मॉइस्चर होने के कारण से ये नेटवर्क का इशू आया है, जो कि Honor 10 Lite में नो सर्विस नो सिग्नल और नो नेटवर्क का प्रॉब्लम इसमें आया है। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल की मदरबोर्ड में मेरे हाथ में है और यहाँ पे देख सकते हैं सामने से देखने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, लेकिन वाटर डैमेज के कारण से कहीं कहीं जगह में ये पानी घुस के मॉइस्चर हो गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसका जो ऊपर में कवर लगा है इसको रिमूव करना पड़ेगा और कहाँ पे पानी गिरा है, कहाँ पे मॉइस्चर हुआ है इसको जानना ज़रूरी है और उसके बाद ही प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मोबाइल को मैं वॉश कर लेता हूँ और उसके बाद मोबाइल के ऊपर में जो कैन का कवर लगा है, टीना का कवर लगा है, इसको रिमूव करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में आज मैं बताऊंगा Honor 10 Lite में नो सर्विस नो नेटवर्क नो सिग्नल का प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे फॉल्ट को फाइंडिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि वाटर डैमेज वाटर लॉक का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले सब कैन जहाँ पर भी मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा है सब कैन को रिमूव करना है और उसके बाद ही फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों दोनों कैन ओपन हो गया है, रिमूव हो गया है, अभी इसको वॉश करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मोबाइल को एक बार पीसीबी में लगा के बैटरी सप्लाई दे के इसमें वोल्टेज ट्रेस करेंगे, कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, कहीं पर शॉर्टिंग है या फिर कहीं पर और कुछ प्रॉब्लम है, इसको फाइंड आउट ज़रूर करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल बिल्कुल फ्रेश हो गया है, इसको क्लीन भी कर दिया हूँ, कैन भी रिमूव कर दिया हूँ और यहाँ पे ये साइड में तो पानी ज़्यादा नहीं घुसा था, इसलिए दोस्तों सीपीयू साइड में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। और अगर पानी घुसा होता तो इसको भी मैं खोल देता, लेकिन यहाँ देखने के बाद वहाँ पे कुछ भी मॉइस्चर नहीं हुआ है, कुछ भी पानी नहीं घुसा है। सबसे पहले दोस्तों मीटर से आपको मैं रीडिंग दिखाता हूँ कंटिन्यूटी लेके, कहाँ पर कितना कंटिन्यूटी आ रहा है और कहीं पर शॉर्टिंग है या फिर कहीं पर और कुछ प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यूटी में हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में Honor 10 Lite का आज नेटवर्क प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके स्क्रीन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे शॉर्टिंग है या फिर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, ये मीटर रीडिंग से हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मीटर रीडिंग से हमको पता चल रहा है कि कहीं पे भी शॉर्टिंग तो अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया है और कहीं पे भी कुछ भी इशू नहीं दिखाई दे रहा है। सब में सब कंपोनेंट में जितना कंटिन्यूटी मिलना चाहिए बिल्कुल ठीक वैसे ही ठीक ठाक हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग का इशू तो नेटवर्क सेक्शन में नहीं है, पावर सेक्शन में भी चेक कर लेते हैं कहीं पे शॉर्टिंग हुआ है या फिर और कुछ इसमें प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे चारों साइड फाइंड आउट करने के बाद कंटिन्यूटी कहीं पे भी शॉर्टिंग का इशू नहीं आया है और यहाँ पे ना ही इसमें कोई ओपन का प्रॉब्लम आया है। नेटवर्क सेक्शन में जितना कंटिन्यूटी मिलना चाहिए बिल्कुल ठीक वैसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी बैटरी लगा के इसमें कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए इसको थोड़ा देखते हैं, ट्रेस करते हैं कैसा इसमें वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। We'll be right back.
दोस्तों यहाँ पे मीटर से पता चल रहा है वोल्टेज भी सब जगह पे सही सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आया था ये वाटर लग के कारण से नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क का सिग्नल नहीं पकड़ रहा है या फिर नो सर्विस नो सिग्नल का इशू इसमें आया है। जैसे कि दोस्तों आपको हेडिंग में दिखा दिया था कि इसमें वाटर लॉक था, इसमें वाटर डैमेज प्रॉब्लम आया था, इस कारण से नेटवर्क का इशू इसमें आया है। तो अभी तक हमको कुछ भी प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हो पाया है। यहाँ पे सब जगह पे जितना वोल्टेज मिलना चाहिए बिल्कुल ठीक ठाक मिल रहा है, तो हमारा बोर्ड से प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे फ्लक्स लगा के थोड़ा सा इसको हीट करके थोड़ा सा मूव करूँगा और देखते हैं कहीं पर भी मॉइस्चर हो गया होगा तो ये ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको मूव करके वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि ज़्यादा लंबा ना हो पाए वीडियो, इसीलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बीच बीच में कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आईसी को जितना भी आईसी लगा था सबको मूव करने के बाद ये मोबाइल को चालू कर दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क आ गया है। जी हाँ दोस्तों ये Honor 10 Lite में जो वाटर लॉक के कारण से नेटवर्क नो सर्विस नो नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था ये सही हो गया है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं ट्यूजर के जरिए आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले क्रॉस मार्क दिखा रहा था, अभी इसमें वोल्टी लिख के इसमें नेटवर्क भी आ गया है और नेटवर्क पुल इसमें आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों IMEI को मैं कवर करके आपको मैं दिखाता हूँ, इसका बेस बैंड भी वही है, मॉडल नंबर भी वही है और आपके सामने भी जो देख रहे हैं ये सेम बोर्ड है। तो यहाँ पे बेस बैंड भी ओके था लेकिन उसके बावजूद भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था वाटर डैमेज के कारण से। ये मोबाइल पे यानी Honor 10 Lite में जो नेटवर्क इशू आ रहा था ये सही हो गया है। और इसको मजबूर होके दोस्तों ये आईसी में फ्लक्स लगा के इसको थोड़ा मूव करना पड़ा क्योंकि दोस्तों इसमें वाटर डैमेज था, वाटर लॉक प्रॉब्लम था। इसीलिए दोस्तों कहाँ पे मॉइस्चर हुआ है कैसे फाइंड आउट करेंगे, सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वोल्टेज ट्रेसिंग करने के बाद वोल्टेज भी सही सलामत आ रहा था लेकिन उसमें उसके बावजूद भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो में आपको मैं दिखाया। थोड़ा सा अगर कहीं पे भी लिक्विड डैमेज हुआ है तो थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगा के इसको मूव करके देखें, अगर प्रॉब्लम सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों और किसी टॉपिक में और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।